हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव ट्रेवल एजेंट सेल्स पिच। जब भी आपके पास कोई लीड्स आती है तो उनसे किस तरीके से बात करनी है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आपको पता है हमारा ट्रेवल एजेंसी बिजनेस मॉडल टूर पैकेजेस, हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं जिनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम लीड्स पे काम करती है, बात करती है, उनको कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो अब जो सेल्स टीम है वो किस तरीके से पिच करे कि जो टूर पैकेजेस हमारे पास रेडी है, मार्केटिंग टीम अपना वर्क कर रही है, लीड्स जनरेट कर रही है, उसके बाद जो सेल्स टीम है उनको किस तरीके से लीड से बात करनी है और उनको कन्वर्ट करना है, कंपनी के बारे में बताना है, सेल्स पिच कैसी होनी चाहिए, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन मेथड्स को अपनाओगे तो आपका एक कन्वर्जन रेट जो है, जो लीड्स को कन्वर्ट करने का, वो इम्प्रूव होगा। तो इसमें हम कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियोस आप जरूर देखना, ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रैवल बिजनेस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की हुई है। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले जो आपके पास लीड्स आई, आपकी सेल्स टीम के पास जो लीड्स आई, तो कैसे बात होगी, किस तरीके से सारी चीजें होगी, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो सेल्स टीम है उसको डेस्टिनेशन की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो डेस्टिनेशन की नॉलेज अगर उनको होगी तो कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उस डेस्टिनेशन को लेके, कि हमें कब जाना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है, हमें इनमें से सजेस्ट करो कि हमें हनीमून पे जाना है तो गोवा जाए, केरला जाए, अंडमान जाए, सिक्किम जाए, थाईलैंड जाए, बाली जाए, तो कहाँ पे हमें जाना है। फिर एक डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई, फिर उसके बारे में क्वेश्चनिंग होती है कि कितना बजट होता है, कितने टाइम के लिए हमें जाना चाहिए, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, होटल किस तरह की है, और बहुत सारी चीजें होती है, खाना कैसा है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है तो वो होते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हो गया कि अगर वहां पे हमें स्कूबा डाइविंग करनी है तो उसकी क्या कॉस्ट है, पैराग्लाइडिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, कुछ जो और वहां पे एक्टिविटीज होती है उनके क्या चार्जेस रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि वहां पे कुछ कहीं पे एंट्री करनी है, एंट्री टिकट्स क्या है, किस तरीके से है, कब ओपन होता है, कब वो क्लोज होता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जिनके बारे में नॉलेज होना सेल्स टीम को बहुत जरूरी है। अगर उसमें से वो बीच में अटक गए या उन्हें पता नहीं हुआ तो फिर वो समझेगा कि इस टीम को तो लाइक इस कंपनी को नॉलेज ही नहीं है उस डेस्टिनेशन की, तो हमें पैकेजेस क्या प्रोवाइड करेंगे। तो डेस्टिनेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके लिए जो आपकी सेल्स टीम वर्क कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है सबसे पहले। उसके बाद आपके ट्रैवल जो पैकेजेस है वो रेडी होने चाहिए। कुछ होते हैं रेडीमेड पैकेजेस आपने क्रिएट कर लिए, कि आपने पॉसिबिलिटीज बना ली कि अगर फॉर एग्जांपल हिमाचल में लोगों को जाना है 3 दिन के लिए जाना है तो ये पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, 5 दिन के लिए जाना है ये पैकेज है, 6 दिन के लिए जाना है ये पैकेज है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, गोवा जाना है, केरला जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो पैकेजेस है वो ऑलरेडी वहां पे रेडी होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड पैकेजेस है। अब कस्टमर जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें इसमें ये चेंज करने हैं आइटनरी में या इस पैकेज में ये चेंज करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आइटनरी मॉडिफाई कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है सबसे पहले डेस्टिनेशन नॉलेज होनी चाहिए आपको, ट्रैवल पैकेजेस आपके रेडी होने चाहिए जो रेडीमेड पैकेजेस है, उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कोई भी कस्टमर है जब आपसे बुकिंग कर रहा है, वो 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी टूर पैकेजेस बुक कर रहा है आपकी कंपनी के साथ, वो कहीं बैठा है, आप कहीं बैठे हो, किस तरीके से ट्रस्ट होगा, वो आपको पे क्यों करे। तो इसके लिए देखो ऑनलाइन पे देख रहे हैं सारी चीजें, ऑनलाइन आपको पे कर रहे हैं, तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है इस केस में। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने कस्टमर में, कि आप उनको रिव्यूज दिखा रहे हैं, देखिए हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, ये हमारे रिव्यूज देखिए, कस्टमर की कुछ फीडबैक वीडियोस देखिए, वेबसाइट चेक करिए, हमारा जो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, अभी अभी देखो अगर किसी को केरला जाना है, देखो अभी हमारे कस्टमर केरला से होके आए हैं, उनकी पिक्स वगैरह या वीडियोस, कोई फीडबैक वीडियोस है वो कस्टमर को शेयर करना। मैं भी बहुत बार ऐसे करता हूँ कि काइंड ऑफ कि किसी को तीर्थन वैली जाना है, जो हमारे पहले से तीर्थन वैली गए हुए हैं कस्टमर, उनके फीडबैक वीडियो उनको शेयर कर दी, वो अपने आप ही अच्छा इनको कस्टमर को वो बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं कंपनी
कंपनी का नाम बोल रहे हैं तो वहां से फिर हमारा टूर अच्छा रहा इस तरीके से, तो उनको अपने आप, हाँ भाई अगर ये करवा सकते हैं, ये सर्विसेज दे सकते हैं, ट्रस्ट एक हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, रिव्यूज उनको दिखाओ, उसके अदर देन जो कस्टमर है फीडबैक वीडियोस जब आप उनको शेयर करेंगे उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उनको ट्रस्ट करना आपकी आपके कंपनी पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बजट। अब आपके डेस्टिनेशन नॉलेज है, टूर पैकेजेस आपके रेडी है, आपको ट्रस्ट उनके साथ हो गया है। अब बात आ जाती है बजट की, कि उनका जो भी बजट है कि लाइक टू स्टार होटल में जाना है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमर का बजट रहता है माइंड में कि हाँ मुझे इतने बजट में मेरा लाइक मुझे हनीमून पे जाना है तो मेरा 1 लाख रुपए का बजट है। अब आपने उसको 4-5 डेस्टिनेशन के आइडिया दे दिए कि अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं तो इससे कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी, अगर आप गोवा जाते हैं तो थोड़ा कॉस्ट कम रहेगी, अगर आप हिमाचल जाते हैं तो थोड़ी कॉस्ट और कम, कि उसके बजट के अकॉर्डिंग आप उसका पैकेज डिजाइन कर रहे हैं, कि जैसे उसका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप उस पैकेज को दे रहे हैं उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि आपके जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनको बजट एक पैकेज, जो उनका बजट है, ये नहीं कि देखो किसी का कम बजट में भी क्या होता है कि किसी का कम बजट है, किसी का ज्यादा बजट है, किसी को लग्जरी पैकेज चाहिए, किसी को 3 स्टार, किसी को 4, किसी को 5, किसी को इससे कम, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी जो है होटल्स की जो टाई अप्स है या उनके साथ टाई अप्स या पूरा कंप्लीट टूर पैकेजेस आपके पास रहने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उनको पैकेजेस प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद देखता है कस्टमर कि भाई सर्विसेज ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कुछ जैसे कुछ नई कंपनीज होती है या जैसे उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो कस्टमर के माइंड में रहता है कि क्या ये सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आप उनको कुछ जो रिव्यूज हैं, जो आपके कस्टमर हैं उनको अच्छी रिव्यू अच्छी सर्विसेज दे के उनसे जो रिव्यूज लेंगे वो दिखा सकते हैं कि देखो हमारे गूगल पे रिव्यूज तो वहां पे दे रखे हो, वहां पे जो आपके जो गूगल रिव्यूज पे जो रिव्यूज दे रखे हैं वहां पे कि हमारा फूड अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, सर्विसेज अच्छी हमें प्रोवाइड की, जो फीडबैक वीडियोस जैसे मैंने कहा कि कस्टमर की इमेजेस फीडबैक वीडियोस आप वहां पे दे सकते दिखा सकते हैं, जो आपकी नई लीड्स आ रही है। तो सर्विसेज के मामले में भी आपको ध्यान रखना है कि आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद दो पॉइंट और जैसे है कि एक तो होती है गुड लीड्स। अब आपके पास सारी चीजें अच्छी, अब आपके पास गुड लीड्स भी आना बहुत जरूरी है, क्वालिटी की लीड्स आए आपके पास। बहुत सारी जो ट्रेवल एजेंसी स्टार्टअप है वो मतलब एक अच्छे जो मेथड्स है उन पे फोकस नहीं कर पाते काफी बार, कि कहीं से लीड्स परचेज कर ली किसी कंपनी से, वो जो कंपनी है ऑलरेडी 4-5 एजेंट्स को शेयर कर रही है तो वहां से अच्छी लीड्स नहीं मिल पाती। तो कुछ मेथड है जैसे गूगल एड्स आप फोकस करते हैं, रेफरेंस से आते हैं, एसईओ से आते हैं, वेबसाइट से आपके पास आ रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग से आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आ रहे हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जहां से आप एक अच्छी लीड्स निकाल सकते हैं। तो वहां पे आपको फोकस करना है, और आपको ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपको इम्प्रूव करनी ही है अपनी, कि आप वेबसाइट आपकी इम्प्रूव कर रहे हैं, एसईओ करवा रहे हैं वेबसाइट का, इंस्टा फेसबुक पे आप एक्टिव है वहां पे आपके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे आप एक्टिव है वहां पे रेगुलरली वीडियोज अपलोड हो रही है, उसके बाद आप गूगल माई बिजनेस पेज पे आप रिव्यूज ले रहे हैं कस्टमर के। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस जब अच्छी होगी तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट भी बनेगा और आपके पास लीड्स भी आएंगी एक अच्छी क्वालिटी की। तो बेसिकली ये है, ये आपका थोड़ा सा बैक एंड का प्रोसेस है कि आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसी के बाद जब आपकी टीम जब बात करेगी जो सेल्स पिच करेगी उनके साथ तो फिर वो इजी हो जाएगा। अब बात करते कि किस तरीके से क्या उसमें रहती है, सेल्स पिच में क्या डिस्कशन रहती है। दो तरीके से अब लीड्स आएंगी। एक होता है कि मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके पास कॉल आ रही है, जैसे अब कॉल आ गई कि हाँ जी आप इस कंपनी से बोल रहे हैं, हमने अभी आपकी एड देखी और आप क्या गोवा टूर पैकेजेस में डील कर रहे हैं, कस्टमर बोल रहे हैं, जो लीड्स आई है हमारे पास। तो सेल्स टीम ऑब्वियस है, सेल्स टीम ही उठाएगी उसको नंबर को जो कॉल आई हुई है, तो उनसे बात होगी कि हाँ जी हम इस कंपनी से आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना। अब डेस्टिनेशन में वो या तो अभी कंफ्यूज चल रहा है या वो है कि हमें इस डेस्टिनेशन पे ही जाना है। अगर कंफ्यूज चल रहा है तो उसको समझाओ कि हाँ आपका बजट कितना है, कहाँ कहाँ है, हमारी कंपनी इन पैकेजेस में डील करती है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाता है कि उसकी डेस्टिनेशन को फाइनल करवाना, कि वो जाना कहाँ चाहता है, वो डेस्टिनेशन को फाइनल आपने करवा दिया। उसके बाद फिर उसमें जो भी पैकेजेस है कि हमारे
कुछ पैकेजेस है, आप 3 दिन के लिए जाना चाहते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितने दिनों के लिए जाना चाहता है, तो वो आपने उसके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात आ जाती है कि अब अपने अपने ट्रस्ट उसको, अब ट्रस्ट भी तो करना है ना, उसने ऐड देख लिया, अब आप पे ट्रस्ट कैसे करें। तो ट्रस्ट के लिए आप अपनी कंपनी के बारे में बता, हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, यहाँ पे है, ऑफिस वगैरह के बारे में बताना, या कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके बाद हमारे इन डेस्टिनेशन में टूर पैकेजेस हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, उनके रिव्यूज या वीडियोस, फीडबैक वीडियो कस्टमर की आप दिखाओगे, ट्रस्ट हो जाएगा। जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, लीड्स आ रही है, उनको ट्रस्ट हो जाएगा। अब ट्रस्ट के बाद फिर उनसे जो डिस्कशन होगी, मैं मतलब प्रॉपरली जैसे बता रहा हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल लीड्स आई, वो आपके कॉल की डायरेक्ट डेस्टिनेशन आपने उसकी करवा दी, फाइनल करवा दी, टूर पैकेजेस के बारे में बता दिया, ट्रस्ट उसका जीत लिया कि हाँ भाई हमारी कंपनी इस तरीके से, रिव्यूज आप चेक करो, हमारे कस्टमर की फीडबैक वीडियोस आप चेक करो, ठीक है, उसको ट्रस्ट हो जाएगा। फिर बात आ जाती है बजट पे, अब बजट के अकॉर्डिंग, हाँ जी हमारा इस तरीके से बजट आपका क्या है, आप 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पैकेजेस, जैसे हमारे पास भी लीड्स आती है तो हम, ठीक है, ट्रस्ट हमारे बहुत सारे वीडियोज लाइव है, हमारे वो देखते हैं, ट्रस्ट हो जाता है, बहुत सारे कस्टमर के जब वीडियोज हम जैसे दिखाते हैं कि भाई देखो त्रियुंड गए थे हम, या मनाली गए थे, चकराता, जैसलमेर, जहां पे भी जाते हैं, तो उनकी जैसे वीडियोस भी बन जाती है YouTube चैनल पे, जिस इस तरीके से आप अपने कंपनी के चैनल पे डाल सकते हैं, ट्रस्ट बन जाता है। उसके बाद जैसे बजट की बात आती है, तो बजट हम काइंड ऑफ डिस्कस करते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लद्दाख जाना है, आपका बजट कितना है, हम तो आपको पैकेजेस प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल, देखो बजट कैसे वेरी करता है, होटल की कैटेगरी कम कर, थोड़ी सी लो कैटेगरी कर दो तो वो 2 स्टार का दे दो बजट, होटल दे दो कॉस्ट कम हो जाएगी, गाड़ी थोड़ा सा ऑल्टो टाइप दे दो तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। अब किसी को थोड़े अच्छे होटल चाहिए तो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल दे दो, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी उनको डिजायर करनी है, या जो भी इस तरीके से जो एक अच्छी गाड़ी है वो बुक करनी है। तो यहाँ से देखो बहुत सारे बजट हम बना देते हैं, मतलब कस्टमर के आप भी बना सकते हो, कि जो कस्टमर ने बजट बहुत ही लो हो जाता है तो उसकी तो बात ही अलग है, उसको तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, पर एक जेन्युइन की हाँ भाई इस बजट में आपका, हमारा ये बजट है, तो उस बजट में आपको बना के देना है। उसके बाद जैसे ही आप उनको पैकेजेस शेयर करेंगे, उनके बजट के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उनके पास डिटेल्स चली जाएगी, वो डिटेल्स को चेक करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ तो वो आपको बता देंगे, अगर नहीं करना हुआ तो वो बुक कर लेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो पेमेंट पॉलिसी रहती है, 30% फॉर एग्जाम्पल एडवांस, बाकी के बाद में, तो इस तरीके से उनको बता सकते हैं, पेमेंट लेके डील को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इस तरीके से बेसिकली जो आपके पास कॉल आ रही है मार्केटिंग से, तो उसमें ऐसे ही डिस्कशन करनी होती है। अब सेल्स पिच में देखो, कस्टमर जैसे भी बात कर रहा है हमसे, कि सबसे पहले क्या ही होगा कि हाँ जी हमने, अगर कॉल आ रही है आपके पास डायरेक्ट, अब कॉल आएगी या इंक्वायरी फॉर्म आएगा, पहले हम कॉल्स की बात, इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा, पहले हम कॉल की बात करेंगे, डायरेक्ट कॉल आए तो सबसे पहले हाँ जी मैंने आपकी, कस्टमर ही बोलेगा, आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है, हाँ जी आपको हेलो करनी है, हेलो, तो हेलो हाँ जी, तो कस्टमर ही बोलेगा कि मैंने आपकी एड देखी थी, मुझे फैमिली के साथ गोवा ट्रिप पे जाना है। तो उसके बाद आप उसको गोवा की डेस्टिनेशन के बारे में, हाँ जी गोवा में इस तरीके से है, वैसे तो उसको नॉलेज हो थोड़ा बहुत पढ़ के, या जो जो रिसर्च करके आया है जैसे भी है। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन के बारे में बता दिया, कुछ पैकेजेस के बारे में उसको बता दिया कि इस तरीके से पैकेजेस है, फिर ट्रस्ट के लिए आपको अपनी कंपनी के बारे में बता दिया कि ऐसे ऐसे, ठीक है उसको हो जाएगा, फिर आपका बजट कैसा है उसके बारे में आपने बता दिया, पैकेजेस उसको शेयर कर दिया, और उसके बाद फिर उसका जो भी रिवर्ट आता है कि भाई इसमें आइटनरी में थोड़ा सा चेंज करो, रेट ज्यादा है, क्या आ सकता है, मतलब उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या तो आइटनरी चेंज सबसे पहले, अगर उसने जो बजट बता दिया, आपने उस बजट में उसको पैकेज दे दिया, तो बजट का तो इशू ही खत्म हो गया। अब उसमें आइटनरी चेंज, या तो वही सेम आइटनरी के साथ बुक कर लेगा, या भाई हमें थोड़ा सा आइटनरी चेंज करनी है, इसमें ये लोकेशन हटा के ये ऐड कर दो, इस तरीके से हो जाएगा। अगर बजट उसे हाई लग रहा है तो आप बजट को फिर उस होटल्स के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही डील डन होती है तो वो पेमेंट आप उनसे ले सकते हो। तो ये तो हो गया कि जब डायरेक्ट कॉल आती है। अब आपको पास इंक्वायरी आ गई कि आपने गूगल एड रन कर रखी है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन कर रखी है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास लीड्स आ गई, आपकी मेल आईडी पे लीड आ गई कि कस्टमर का नाम क्या है, जो लीड का नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
किस डेस्टिनेशन पे जाना है, चार पांच फॉर्म जो फिल करने होते हैं, चार पांच चीजें हमें फिल करवानी होती है। तो फिर हम उनको कॉल करेंगे कि हाँ जी आपकी हमारे पास इंक्वायरी आई थी कि आपको गोवा जाना है या केरला जाना है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि सर हाँ जी की थी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, या अभी मैं ऑफिस में हूं तो आप मुझे 2 बजे के बाद कॉल करना है, एक टाइम ठीक है आपने वहां पे मार्क कर लिया कि इस कस्टमर को 2 बजे कॉल करनी है। क्योंकि जो फर्स्ट सिनेरियो था कि जो आपके पास कॉल्स आ रही है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट कॉल पे ही समझाना उसको सारी चीजें, पर अभी आपको उसका टाइमिंग भी देखना है कि जब आपके पास इंक्वायरी अपने फॉर्म पे आई है तो उसको कॉल करके कि हाँ जी आपके इंक्वायरी आई थी तो हम इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको पैकेजेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो या तो वो होगा कि बाद में करना या हाँ जी सर बताओ। तो आपको वही सेम प्रोसेस फिर डेस्टिनेशन के बारे में, हाँ जी आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन आपकी कहाँ जाना है, आपने गोवा फिल किया था, हाँ जी मुझे गोवा या हिमाचल कश्मीर में से इनमें से जाना है तो बताओ कहाँ पे, तो हाँ जी हमारे पास तीनों लोकेशन के पैकेजेस अवेलेबल है, आपको यहाँ पे भी जा सकते हैं यहाँ पे भी। अच्छा जी मुझे थोड़ा सा ठंडा एरिया, या जो जैसे आप क्वेश्चनिंग करोगे तो अपने आप बताता रहेगा, नहीं बीच साइड पे जाना है, माउंटेन पे जाना है, थोड़ा सा किस तरीके से वेदर होना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से फिर आप डेस्टिनेशन फाइनल हो जाएगी। डेस्टिनेशन फाइनल होगी फिर उसके बाद हाँ जी आपको जो टूर पैकेजेस है हम हमारे वो आपको शेयर कर रहा हूँ, हमारे हर बजट में पैकेजेस अवेलेबल हैं, तो आप अपना जैसे बता दीजिए बजट किस तरीके से रहता है, कितना कब आप सोच रहे हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कितना बजट है, क्या आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली, ट्रेन की कर ली, या वो करनी है। तो कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि नहीं हमने तो वो फ्लाइट की टिकट बुक कर ली, ट्रेन की बुक कर ली, तो कुछ ऐसे आते कि उन्होंने नहीं भी की, तो उसके अकॉर्डिंग बात करके उनसे डिस्कस करना होता है, कर ली तो बहुत अच्छी बात है, लैंड पैकेज देना है, अगर नहीं की तो आप उनको बुक करवाने में हेल्प कर सकते हो या बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है टूर पैकेजेस के बारे में, आपने उनको बता दिया पैकेजेस का, हाँ जी अगर गोवा फाइनल हुआ तो गोवा में ये पैकेजेस है। अब थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में कि भाई देखो एकदम से फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, तो हमारा इस तरीके से है कंपनी के बारे में सेम प्रोसेस कि गोवा की कोई आपकी जो कस्टमर है इमेजेस है वीडियोस है उनको उनके साथ शेयर कर दिया, रिव्यूज शेयर कर दिए, वेबसाइट लिंक शेयर कर दिया, और थोड़ा सा फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक कि भाई देखो हमारे आप यहाँ पे जो कस्टमर की इमेजेस है फीडबैक वीडियोस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रस्ट हो गया उसको, ठीक है जी ओके रिपोर्ट है कि वहां पे आपने डेस्टिनेशन बता दिया, टूर पैकेजेस के बारे में समझा दिया, ट्रस्ट आपने उसका जीत लिया, बजट आपने ऑलरेडी उनसे डिस्कस कर ही रहा है, और सर्विसेज के बारे में कि भाई हमारी सर्विसेज अच्छी है, हमारी ऑपरेशन टीम रेगुलरली जो भी कस्टमर होते हैं उनके साथ टच में रहती है, ऑपरेशन टीम वो रेगुलरली आपके 24/7 आपके टच में रहेगी, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जिसमें हमारी जो ग्राउंड जो टीम है जो ग्राउंड पे आपकी हैंडलिंग करेगी वो साथ में रहती है, जो आपको एक्टिविटी करवाएगी या जो कार प्रोवाइड करेंगे या जो होटल्स वगैरह सारी चीजें आपकी ग्राउंड टीम रहेगी, ऑपरेशन टीम पूरा आपने उसको कन्विंस कर दिया, उसके बाद फिर आपने शेयर कर दी डिटेल, उसके बाद फिर कस्टमर से आपने पूछ लिया हाँ जी इसमें बताइए आपको कुछ और ऐड करना है या क्या प्लान है, तो उसमें क्या कहेगा नहीं हमारा कुछ यही सेम है तो सेम ही पैकेज उसको दे देना है, अगर कुछ उसने चेंज करवाना है तो वो चेंज करना है, कई बार हो जाता है कि डेस्टिनेशन भी चेंज करनी पड़े तो वो डेस्टिनेशन की नई डेस्टिनेशन की, ये चार पांच छह स्नैरियो हो सकते हैं, आप पहले ही प्रिपेयर हैं इन चीजों के बारे में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस तरीके से बजट भी आपने उसके साथ डिस्कस कर लिया, तो यही कोई मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रटी रटाई आपने कुछ करनी है, आपको देखो कस्टमर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है या तो उसकी डायरेक्ट कॉल आएगी या इंक्वायरी फॉर्म पे आएगा आपके पास, कोई रेफर आपको करेगा या गूगल ऐड से आएगी, फेसबुक ऐड से आएगी, डायरेक्ट कॉल आएगी, एसईओ से वेबसाइट से आपकी आ रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइन है जिसकी मार्केटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कस कर रखी है वीडियोज में, तो वो आ गई, अब वो आएगी तो उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है जहां से वो जाना चाहता है, वो टूर पैकेजेस हमारे पास ऑलरेडी रेडी है,
अब उसके बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में बताना, टूर पैकेजेस के बारे में समझाना, उसका ट्रस्ट जीतना, उसका बजट के बारे में डिस्कस करना, सर्विसेज के बारे में आपको बताना। तो एक जैसे जैसे कस्टमर बात कर रहा है, बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरी ये सेल्स पिच चलती है। मोटा मोटा आपको माइंड में रखना है कि डेस्टिनेशन की डिस्कशन होगी, उसके बाद टूर पैकेजेस की डिस्कशन होगी, ट्रस्ट के बारे में हमें कैसे करना है, बजट का डिस्कस करना, सर्विसेज का, उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, व्हाट्सएप पे शेयर करनी है या मेल पे शेयर करनी है, वो आप कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर जैसे भी रहता है उसको कन्वर्ट करना है, फिर पेमेंट पॉलिसी का आपको बताना है कि इस तरीके से 30% एडवांस रहता है, 70% बाद में आपको देना होता है, वो कब देना होता है वो भी आप अपनी जो भी पेमेंट पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, कैंसिलेशन पॉलिसी है, मेल में आप मेंशन कर सकते हैं, जो कंप्लीट मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ, हाउ टू क्रिएट एन ट्रैवल अमेजिंग एन अमेजिंग ट्रैवल आइटनरी, तो कंप्लीट डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो ये चीजें बेसिकली है। अब आपने उसको शेयर कर दी, वहां पे सारी डिटेल शेयर कर दी, अब उसके अकॉर्डिंग आपको उससे फॉलोअप भी लेना है प्रॉपर। व्हाट्सएप पे फॉलोअप ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉलोअप लेंगे तो आपको वो कन्वर्ट हो जाएंगे लीड्स। अब कुछ लीड्स होती है जो फेक होती हैं या जिनको अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, पता ही नहीं है, बस इंक्वायरी कर दी या कॉल कर दी, कहाँ जाना है, कैसे, फोन नहीं उठा रहे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो देखो ये ऐसा होता है, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 लीड्स आई तो 100 की 100 ही कन्वर्ट होएगी। आप मान के चलो कि अगर 100 लीड आई हैं आपके पास, उनमें से अगर आप एक अच्छी लीड आई है, 10-12% भी अगर कन्वर्ट हो रही है, 10-12% जो आपका कन्वर्जन रेशियो है वो भी एक अच्छा रेशियो है। 8-10-12 लीड्स अगर 100 में से कन्वर्ट हो रही है, एक अच्छा है, क्योंकि देखो 100 लीड्स आएंगे उसमें से 30-40 तो ऐसे कि फोन नहीं उठा रहे या बात नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो तो आप हटा ही दो। उसके बाद कुछ ऐसी आ जाती है कि उनको बजट के अकॉर्डिंग कि भाई नहीं, मुझे तो बहुत सस्ता पैकेज मिल रहा है, जो आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते कि भाई उस कॉस्ट में, या वो बहुत ज्यादा चीप रेट के हो जाते हैं कि भाई उसमें फिर सर्विसेज का इशू आएगा, आपको भी पता है कस्टमर कंप्लेन करेगा, तो फिर उनको भी आप एक तरीके से नेगलेक्ट ही करोगे। उसके बाद जो आपके पास बच जाती है उनसे फिर आपको लगता है कि 100 में से हाँ भाई ये 30 लीड्स बहुत ज्यादा है, कि भाई ये तो पेमेंट ही करने वाले हैं, बस इनको बात भी कर रहे हैं वो पता चल ही जाता है जिनसे बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको 10-12-15 लीड उनमें से कन्वर्ट करनी है। तो ये था इसके बारे में कंप्लीट जो हमने बात की। तो आपको इस तरीके से जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है, डिस्कस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान्स बताने हैं, टूर पैकेजेस के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, ट्रस्ट आपको जीतना है, बजट सर्विसेज के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में, आपको आपको इमेजेस जो उस डेस्टिनेशन की है, कस्टमर की वीडियोस है, ये सारी चीजों के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है, प्रॉपर फॉलोअप लेना, आपकी ज्यादा से ज्यादा लीड्स कन्वर्ट होगी। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। अगर आपको कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है आप बुक कर सकते हैं, या प्रॉपर ट्रेनिंग बुक करनी है आप जैसे ये देख सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग आप बुक कर सकते हैं ट्रैवल बिजनेस की। मार्केटिंग आपको करवानी है, मार्केटिंग के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियोस को देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कहीं पे भी जाना होता है, किसी इवेंट में, किसी ट्रिप पे, तो सबसे पहले अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ। यूट्यूब पे आने में, एडिट करने में टाइम लग जाता है, यहाँ पे बाद में आती है। तो ये था इस वीडियो के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।